प्राचीन काल की बात है। एक गांव में पेड़ पर चिड़ियों का घर था। उस घर में टूनी और उसकी दोस्त मुनी रहा करती थी। टूनी की दोस्त मुनी एक पेटू चिड़िया थी। वह दिन भर खाते ही रहती थी। एक दिन वो दोनों उड़ते हुए जंगल में गईं और पेड़ पर बैठ गईं। टूनी मुनी को पेड़ पर बिठाकर भोजन की तलाश में निकल गई। वहीं मुनी का भूख के मारे हालत खराब होने लगा और मन ही मन वो भगवान को याद करने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ और देवी माता प्रकट हुई। क्या बात है मुनी, तुमने मेरा सुमरण कैसे किया? हे माता, मुझे बहुत चोरों की भूख लगती है। मैं कितना भी खाती हूँ मेरा पेट खाली ही रह जाता है। मुनी, तुम्हें मैं 3 प्लेट दूंगी, तुम उसमें से जो भोजन मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें सारा भोजन खाना होगा। थोड़ा सा भी भोजन बचा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम एक छिपकली बन जाओगी। ठीक है माता, मैं सारा खाना खा जाऊंगी और थोड़ा सा भी अन्न नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मुनी, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुछ देर के बाद वहाँ टूनी आई। क्या बात है मुनी, यहाँ कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, चलो अब। वे लोग घर आ गईं। अब जब टूनी घर पर नहीं होती थी तब मुनी सभी प्लेटों को सजाकर उनमें ढेर सारी मिठाइयाँ मांगती थी और सारा खा जाती थी। अन्न का एक दाना नहीं छोड़ती थी। बहुत दिन होने के बाद जंगल में एक चिड़िया की शादी में टूनी और मुनी ने ढेर सारा खाना खाया। घर आकर टूनी कुछ देर के लिए जब बाहर गई तो मुनी को फिर खाना खाने की इच्छा हुई। उसने प्लेट निकाली और ढेर सारी मिठाइयाँ मांगी। कुछ देर में मिठाइयों से प्लेट भर गया। उसने ढेर सारी मिठाइयाँ खाई परंतु उसका पेट एक ही थाली में भर गया। अब उससे खाया नहीं जा रहा था, इसलिए 2 प्लेट मिठाइयाँ उसने छोड़ दी और देखते ही देखते सभी प्लेटें गायब हो गई और मुनी छिपकली में बदल गई। जब टूनी घर आई तो उसने मुनी को खोजा लेकिन वो नहीं मिली। फिर दीवार पर उसने एक छिपकली देखी जो कुछ बोल रही थी। टूनी ने वहां जाकर देखा तो वह छिपकली बोली, टूनी टूनी, मैं मुनी हूँ, मैं छिपकली बन गई हूँ, मुझे बचा लो। तुम छिपकली कैसे बन गए? मुनी ने सारी कहानी बताई तो टूनी जंगल की ओर उसी पेड़ पर जाकर मन ही मन देवी माता को याद किया और देवी माता प्रकट हुई। क्या बात है टूनी, तुम्हें क्या परेशानी हुई? देवी माता, कृपया आप मुझे एक जादू की छड़ी दे दो। ठीक है टूनी, ये लो जादू की छड़ी, लेकिन यह एक बार ही काम करेगा। छड़ी देकर देवी माता अंतर ध्यान हो गई। टूनी घर आई और जादू की छड़ी छिपकली पर घुमाया। फिर देखते ही देखते छिपकली मुनी में बदल गई और छड़ी भी गायब हो गई। टूनी, तुम मेरी सच्ची मित्र हो, तुम छड़ी से कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन तुमने मुझे नया जीवन दिया, तुम्हारा शुक्रिया टूनी। और फिर दोनों दोस्त खुशी खुशी साथ में रहने लगी।